हे गाइस वेलकम बैक दोस्तों, रियलमी 6 डिवाइस के लिए लास्ट मंथ ही रियलमी यू आई 2.0 की बीटा टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई थी और अभी इस मंथ रियलमी 7 आई, रियलमी 6 आई एंड रियलमी नार्जो 10 डिवाइस के लिए रियलमी यू आई 2.0 का अपडेट रोल आउट होना था और रियलमी 7 आई डिवाइस के लिए कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड रियलमी 6 आई एंड नार्जो 10 डिवाइस बचे थे। तो फाइनली दोस्तों दोनों डिवाइसेस के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली रियलमी की तरफ से अभी आज ही यहाँ पर रियलमी 6 आई एंड रियलमी नार्जो 10 डिवाइस के लिए भी रियलमी यू आई 2.0 और एंड्रॉयड 11 की जो बीटा टेस्टिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ ही लिमिटेड सीट्स के लिए इसको ओपन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने साइज़ का अपडेट है, क्या कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं, तो सब कुछ वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। तो फाइनली दोस्तों बीटा टेस्टिंग कम से कम स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक बनता है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और ऐसे ही सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में जो बगल में बेल आइकन आपको मिलता है उस पर क्लिक करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए ताकि रियलमी के किसी भी डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों रियलमी के डिवाइसेस के लिए जो फ़ोन मैनेजर एप्लीकेशन है उसमें जो क्लीनर का अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है, वायरस स्कैन का भी जो अपडेट है। अगर आपको फ़ोन मैनेजर ऐप अपडेट करनी है ऐसे जैसे अभी आपको ऐसे मिलती है तो वो वीडियो आपको प्राइवेट बटन पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अभी जल्दी से बात कर लेते हैं रियलमी 6 आई एंड रियलमी नार्जो 10 डिवाइस के रियलमी यू आई 2.0 के अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी के मंथ में मिलना था 7 आई 6 आई एंड नार्जो 10 डिवाइस के लिए, तो 7 आई के लिए तो कुछ दिनों पहले ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड फाइनली अभी आज ही यहाँ पर रियलमी की तरफ से 6 आई एंड नार्जो 10 डिवाइस के लिए भी रियलमी यू आई 2.0 एंड जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट है उसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अपडेट आप देख सकते हैं 6 आई डिवाइस के लिए RMX 2002_11_C.03 का ये अपडेट है एंड सेम अपडेट ही यहाँ पर जो रियलमी 6 डिवाइस है C.03 बीटा टेस्टिंग में उसमें भी सेम अपडेट आपको मिलता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रियलमी 6 एंड 6 आई में लगभग सेम ही अपडेट आपको रोल आउट किए जाते हैं, स्मार्टफोन ही पूरा बिल्कुल सेम आपको मिलता है, बस कैमरा का थोड़ा वो डिफरेंस है। और अपडेट जो आज रोल आउट हुआ है वो है 2.93 GB यानी 3 GB के अप्रोक्स आपको मिलता है क्योंकि एंड्रॉयड 11 भी साथ में आपको मिल जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे आपको चेक करना है, तो सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको जाना है, ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके ट्रायल वर्जन का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप लकी रहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी कोई भी टेस्टिंग वर्जन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों सिंपली दिन में 3 से 4 बारी आपको चेक करते रहना है ट्रायल वर्जन में। अगर कोई भी यहाँ पर आपको वर्जन मिलता है सिंपली फ़ोन नंबर डालकर अप्लाई करना है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो साथ के साथ ही अगर आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 GB के अप्रोक्स रियलमी यू आई 2.0 और जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके डिवाइस में आया है, आपने अप्लाई किया था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों कम से कम बीटा टेस्टिंग तो स्टार्ट हुई, सभी यूजर्स वेट कर रहे थे अपडेट के लिए, तो पहले बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होगी एंड जो स्टेबल अपडेट है उसको रोल आउट होने में 3-4 महीने का टाइम आराम से लग जाएगा क्योंकि जो रियलमी X50 प्रो में भी ऐसे ही हुआ था एंड जो रियलमी 7 प्रो है उसका आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो देख सकते हैं कैसे अपडेट रोल आउट किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपको अपडेट्स के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक जो रियलमी UI 1.0 के नॉर्मल अपडेट्स हैं, जब तक 2.0 की बीटा टेस्टिंग चलेगी 3-4 महीने, तो 1.0 का 1-2 अपडेट्स आपको नॉर्मल अपडेट्स बाकी सब यूजर्स के लिए रोल आउट देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों रियलमी की यही प्रोसेस है जो मेजर अपडेट्स होते हैं उनको रोल आउट करने की, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है, रियलमी UI 2.0 का भी अपडेट है, एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट है, तो कोई बग यहाँ पर ना रहे स्टेबल अपडेट जो फाइनल अपडेट रोल आउट होगा उसमें, तो इसके लिए दोस्तों इतना टाइम लगता है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आपको मिलेंगे, स्लाइड डाउन करने के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो कैमरा का जो लेआउट है उसमें थोड़े चेंजेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है, नोटिफिकेशन पैनल है, कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो आइकन स्टाइल है वो भी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप बोलते हैं कि इसके फीचर्स को लेकर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनलाइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकन स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिलता है, ऐप लेआउट का ऑप्शन आपको मिलता है, कलर्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके आइकन्स हैं ये सारे कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं जो स्मार्ट स्लाइड बार है वो भी आपको चेंज मिल जाता है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आप देख सकते हैं डार्क मोड की जो एनिमेशन है कुछ ऐसे एनिमेशन आपको मिलती है एंड यहाँ पर जो लेआउट है पूरा चेंज कर दिया गया है। डार्क मोड को 3 तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, मीडियम अगर आपको चाहिए, जेंटल अगर आपको चाहिए जैसे ग्रे कलर शेड आपको चाहिए, या फिर पूरा प्रॉपरली आपको ब्लैक शेड चाहिए,
तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो आइकन्स वगैरह है उसको भी आप डार्क मोड में एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो बैकग्राउंड वॉलपेपर है उसको भी आप डार्क मोड में एडजस्ट कर सकते हैं। एंड जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है सब में लगभग आपको डार्क मोड का सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। हेट ऐप क्लाउड का लेआउट आप देख सकते हैं, चेंज आपको मिलता है। रियलमी लैब के अंदर आप देख सकते हैं इसका जो लेआउट है वो भी चेंज कर दिया गया है, तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्या कुछ हिडन सेटिंग्स आपको मिलती है, तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको रियलमी 6, 6i, रियलमी 7, रियलमी नार्जो किसी भी डिवाइस के लिए अगर आपको ऐसे बढ़िया क्वालिटी के बैकवर परचेज करने हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैमरा प्रोटेक्शन के साथ ये बैकवर आपको मिल जाते हैं एंड जो कटआउट्स हैं बाकी पूरे प्रॉपरली आपको मिल जाते हैं परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो अगर आपको परचेज़ करने हैं टेम्पर्ड ग्लास या फिर कोई भी बैकवर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफरेंट कलर ऑप्शन अवेलेबल है तो ज़रूर से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको मिला है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।